काफी ज्यादा अच्छी मूवी है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है मेरे को मूवी, बहुत ज्यादा अच्छी। विवेक की बात करें तो कितना इंपैक्ट था उसका? काफी इंपैक्टफुल मूवी था, और मतलब आप मूवी को देखते हुए आप मूवी छोड़ नहीं सकते, आप एक सेकंड भी इधर उधर देखेंगे, फोन भी अगर आपने एक सेकंड के लिए देख लिया तो आपको लगेगा कि आपने बहुत सारा मूवी मिस कर दिया। ओके, विवेक ने जस्टिफाई किया रोल नरेंद्र मोदी जी का? काफी हद तक हाँ जस्टिफाई किया। ओके, कितना स्टार देना चाहेंगे 4.75 स्टार्स। काफी अच्छी मूवी है, काफी इन्फॉर्मेटिव मूवी है, एंड आई थिंक सबको देखने जाना चाहिए। ओके, तो कितना इंपैक्ट डाला है इसके बेसिकली इस मूवी के अंदर उनने हेल्प किया है कि जो पुराने फॉल्स एलिगेशंस थे और जो मिसकंसेप्शंस थी उनको क्लियर आउट कर पाएँ और थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें प्रेजेंट कर पाएँ, लाइक व्हाट वाज द ट्रुथ बिहाइंड, लाइक ट्रुथ बिहाइंड द स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी। ओके, विवेक ने कितना जस्टिफाई किया? ही वाज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द रोल एंड ही जस्टिफाइड द रोल वेरी वेल। ओके, आउट ऑफ 5 हाउ मच लाइक शायद लग गया? 4.5। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उन्होंने अपने आप को पूरा उस कैटेगरी में उतारने की पूरी कोशिश की, उन्होंने पूरा अपना 100% दिया है कि वो पूरी तो मोदी जी की तरह देख सके, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। लोगों पर कितना इम्पैक्ट रहेगा? बहुत इम्पैक्ट रहेगा, और मैं तो कहता हूँ हर इंसान को जाके ये मूवी एटलीस्ट देखनी चाहिए, एक बार जरूर देखनी चाहिए। पूरे 5 स्टार दूंगा। मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, और विवेक ओबरॉय ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ऑलमोस्ट सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया, और नरेंद्र मोदी के बारे में जान के और भी अच्छा लगा। हमारे पीएम है, और मैं कहूँगा कि वो हमारे युवाओं के पीएम है, और विवेक ओबरॉय अमेजिंग, बहुत अच्छा काम किया, और बहुत टाइम बाद विवेक ओबरॉय को हमने देखा है स्क्रीन पे, सो इट वाज अ वेरी गुड यू नो रिटर्निंग ऑन द स्क्रीन, सो यस मार्वेलस वर्क। ओके, विवेक की कितना इंपैक्ट रहेगा लोगों पर जो भूमिका उन्होंने निभाई है? विवेक का मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ इम्पैक्ट रहा, जब हमने ट्रेलर देखा था तो मुझे उस टाइम पे इतना नहीं समझ आया था, लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा उनकी एक्टिंग, उनका जिस हिसाब से उन्होंने पर्सोनिफाई किया है नरेंद्र मोदी को, सो आई फाउंड हिम रियली वेरी कन्विंसिंग। यस ही है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहिए? आई वुड गिव हिम 4। मूवी ग्रेट, अमेजिंग, आई रियली लाइक द मूवी, और मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही कुछ निकला, फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक्सपेक्ट करके आया था कुछ, आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड। ओके, विवेक की बात करें तो कितना इम्पैक्ट रहा लोगों पर जो मूवी में उसने रोल निभाया? विवेक ओबेरॉय जी ने सुपर रोल निभाया है, मैं काफ़ी खुश हूँ जिस तरह से उन्होंने मोदी जी को रिजेंबल किया है। विवेक ओबेरॉय जी ने उनका जो एक्सेंट है, काफ़ी मोदी जी की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छे से निभाया है। मैं दाद देना चाहूँगा उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स और यू नो मेकअप आर्टिस्ट को, जिनकी वजह से वो मोदी जी की तरह दिख पाए हैं। यू नो जब जनता देखना चाहती है दे वांट टू सी कि यू नो मोदी जी जैसे दिखे वो, उनके जूते से लेके घड़ी से लेके चश्मे तक सब कुछ एकदम रिजेंबल करता है मोदी जी को। ओके, आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहिए? 4 स्टार्स में देना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बस दिल को छू गई, और प्रधानमंत्री जी के बारे में और जानने की एक हाँ एक मौका दिया गया, तो बस। इंस्पायर तो हो गए एक्चुअली लोग मोदी जी से, और हम क्यों इंस्पायर हुए ये जानने के लिए ये फिल्म देखनी पड़ी। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें विवेक की तो कैसी लगी आपको? बहुत ही बढ़िया, ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं किया है, रोल के लिए जितना चाहिए उतना ही किया है, एंड कभी ये नहीं लगता कि विवेक ओबरॉय है। नहीं, मैं बात तो कम्प्लीट करने दो कि कोई एक्टर कोई रोल कर रहा है तो कभी ना कभी तो लगेगा ना कि ये विवेक ओबरॉय है, तो वो विवेक ओबरॉय लग ही नहीं रहे थे और पूरा मोदी ही लग रहे थे, ये मैं कहना चाह रहा था। हाँ, ओके, डायरेक्शन की बात करें तो उमंग कुमार की कैसी लगी डायरेक्शन? ही हैज़ बीन प्रॉमिसिंग, मेरी कॉम भी अच्छी थी, वैसे स्टोरी और स्क्रिप्ट में इतना ताकत है, डायरेक्टर का उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा, कहीं पर भी बिगाड़ा नहीं है। मूवी में बेस्ट सीन कौन सा लगा? बेस्ट बहुत सीन है, डायलॉग्स इतने हैं, लोग बहुत तालियां मार रहे थे, मैं भी मार रहा था, और जहाँ पर वो सब नेताओं को खड़ा करके सबको बिना बिठाए, हाँ लोग कुर्सी पे बिठा देते हैं हम लोगों को, वही आदत हो जाती है, अभी थोड़ा सा खड़े हो जाओ, फिर चाय बनाते हैं और चाय नेता पीने के लिए जाता है तो बोलते हैं पहले अटेंडर को पिलाओ, अभी बहुत राज कर लिया, अभी सेवा करने का वक्त आया, इट दिस एंड मेनी मोर सीन्स देयर। कितने स्टार देना चाहिए? 4.3। एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देना ना भूलें।